अगर आप बहुत दिनों से IBS से परेशान हो तो आपको लो फॉडमैप डाइट के बारे में ज़रूर पता होगा, और अगर पता नहीं है चलो मैं बता देती हूँ। देखिए IBS की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत नैगिंग होती है, ठीक है, और जिनको है उसी को सिर्फ पता होता है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि हमेशा आपकी जो पेट है वो गैस से भरा है, आप ब्लोटिंग फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है आपको, डायरिया, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो बहुत आसान नहीं है। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई दे देंगे, पर उससे कुछ दिनों की शायद आपको हल मिल जाए, पर फिर से आप जहाँ थे वहीं पे पहुँच जाते हो और जो भी तकलीफ़ है वो हमेशा वैसा ही रह जाता है। मुश्किल ये है कि हॉस्पिटलाइज होने जैसा इतनी सीरियस भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको आप इसको इग्नोर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार हर पल आपको ये प्रॉब्लम जो है वो आपको स्ट्रगल करता रहेगा। अब इसका हल क्या है? लो फॉडमैप डाइट माना गया है, मतलब दिस इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, कि अगर आप IBS पेशेंट हो और आप एक लो फॉडमैप डाइट फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकता है। अब ये लो फॉडमैप डाइट क्या है और कैसे आप अपनी इंडियन डाइट में इसको इस्तेमाल कर सकते हो? फॉडमैप क्या है मैं सबसे पहले तो ये बता देती हूँ। देखिए जो भी खाना हम खाते हैं ना इनमें तरह तरह की केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब आप खाना जब खाते हो वो जो आपका पेट में जाता है उसके बाद डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स सिक्रेटेड होती है। तो फॉडमैप जो है उसका फुल फॉर्म है फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड एंड पॉलीओल। बात यह है कि ये सारे जो कंपाउंड्स के नाम मैंने अभी बताया ये सब शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तरह तरह की कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ना आपकी बॉडी पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये सारा खाना आपके स्मॉल इंटेस्टिन से डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टिन में चला जा रहा है, और वो भी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में। अब लार्ज इंटेस्टिन में जो भी बैक्टीरियाज हैं खाने के ऊपर बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फर्मेंटेड हो जाता है, इसीलिए आपको खूब सारा गैस, पेट दर्द, डायरिया, ये सब की परेशानी हो रही है। तो हल इसका यही है कि आप ऐसा खाना खाएं जिसमें ये फॉडमैप जो कंपाउंड्स हैं ये कम हो। इसीलिए लो फॉडमैप डाइट का हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली फॉर IBS पेशेंट्स। मुश्किल ये है कि अगर आप हाई फॉडमैप वाली जो फूड है उसकी अगर आप लिस्ट देखोगे तो उनमें से इतने ज़्यादा खाना है जो कि आप हर दिन खाते हो, तो अगर आपको ये सारा खाना अवॉइड करना पड़े तो आपकी थाली में शायद ही कुछ बचे। प्रॉब्लम ये होता है कि फिर खाए तो खाए क्या और कैसे खाया जाए। सबसे पहली बात चलो ग्रेन से शुरू करते हैं, हम इंडियन हैं, हमको चावल रोटी ये सब बड़ा पसंद है, तो इससे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप अवॉइड कर सकते हो वो है ग्लूटेन, क्योंकि ये देखा गया है कि ज़्यादातर IBS पेशेंट में ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब आपको कोई भी चीज़ जिसमें गेहूं हो, राई हो या बर्ली हो, ये तीनों प्रोडक्ट जिनमें भी होंगे वो आपको अवॉइड करनी है। मतलब आप रोटी, नॉर्मल जो रोटी बनती है आटे या मैदे की, रोटी, पराठा, पूरी, ये सब नहीं खा सकते। और इसी से बस लिस्ट ख़त्म नहीं होती है, आपको बिस्किट, नूडल्स या सूजी, मतलब जो आप उपमा खाते हो, या फिर दलिया या पास्ता, ये सब खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब खाने में किसी ना किसी फॉर्म में वीट या सेमोलिना होती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये ग्लूटेन वाली जो खाना है ये आप छोड़ दो। अच्छा चलो बताते हैं कि फिर क्या खाया जा सकता है ना। ग्रेन में आप चावल खाओ, चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ब्राउन राइस मत खाना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो हाई फाइबर से है। ब्राउन राइस बहुत हाई फाइबर होती है, अगर आप हाई फाइबर वाला कोई भी ग्रेन खाओगे तो आपकी जो परेशानी है वो और भी बढ़ जाएगी। तो आप नॉर्मल चावल खा सकते हो, आप जवार, बाजरा ये सब भी खा सकते हो टू सम एक्सटेंट। और सबसे बड़ी बात कि आप ना वैरायटी देखो कि थोड़ी सी ओट्स खाया जा सकता है, थोड़ा सा चावल खाया जा सकता है, या फिर जवार, बाजरा, रागी, मुरमुरा, पोहा, ये सब चीज़ आप खा भी सकते हो। आपकी जो ग्रेन है इनमें सिर्फ आपको ग्लूटेन को अवॉइड करनी है, जो भी ग्रेन में ग्लूटेन होगी वो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली अवॉइड करने की कोशिश करो। नेक्स्ट होती है प्रोटीन। अब प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको उतनी दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िश, चिकन या फिर कोई भी मीट आप अगर खाते हो तो वो बहुत सेफ है अगर आपको IBS की तकलीफ़ है। पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए मेजर प्रोटीन सोर्स होगा दूध,
या फिर दाल, है ना। दूध में देखा गया है कि परेशानी बढ़ती है आईबीएस पेशेंट्स को, तो आप दूध खाना अवॉइड करो, मतलब दूध पीना अवॉइड करो। और पर जो देखा गया है कि आप दही ले सकते हो, अगर आप दूध को ही दही के फॉर्म में लो तो वो आसानी से पच जाता है, तो आप दही ले सकते हो, पर दूध, वैसे दूध पीना थोड़ा सा अवॉइड करो। पनीर भी काफ़ी हद तक लोगों को सूट करती है, इंडियन जो पेशेंट्स है। अगर आप एक बार ट्राई करके देखो कि पनीर आप पचा पाते हो कि नहीं, अगर नहीं पचा पाते हो तो ये भी हो सकता है कि आप घर पे बना हुआ जो छेना होती है ना, वो आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो, हर किसी को हर खाने में सेंसिटिविटी नहीं होती है, तो ब्लाइंडली ना आप पूरा जो भी लो फॉडमैप डाइट है या हाई फॉडमैप फूड है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा खाना आपके लिए हानिकारक हो रहा है, मतलब आपको ट्रबल कर रहा है, या फिर कौन सा खाना आप आराम से पचा सकते हो, ये आप ही को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि छेना आपको आपसे पचता है कि नहीं, अगर पचता है तो आप छेना खा सकते हो, आप दही खा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप टोफू ले सकते हो, जो कि सोया प्रोडक्ट है, टोफू हो सकता है या टेम्फ हो सकता है, ये सारा खाना आप खा सकते हो। दाल की अगर बात किया जाए तो हर किसी को दाल पचता है, पर अगर आपको दाल को ट्रीट करते हो तो, मतलब अच्छे से आपको दाल को ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब ओवरनाइट आपको दाल सोक करनी पड़ेगी। यस, ओवरनाइट मतलब 8 to 10 hours अगर आप दाल को सोक करके रखते हो और फिर नेक्स्ट डे जो है आप वो दाल पकाते हो, तो दाल भी आप हजम कर सकते हो, क्योंकि दाल में बहुत सारी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होती हैं जो कि ओवरनाइट सोकिंग से कम हो जाते हैं। जब दूसरे दिन सुबह आप जब उठ के वो दाल को अच्छे से धो लेते हो और जो पानी है उसको फेंक देते हो, तो फिर वो दाल बहुत लाइट हो जाती है आपके स्टमक के लिए, तो फिर आपको आसानी से वो दाल आप पचा सकते हो। तो दाल हो गया, दूध हो गया, और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश, एग, चिकन, ये सब आप आराम से खा सकते हो। नेक्स्ट आती है कि फल, क्या फल खाया जाए और क्या फल नहीं खाया जाए। देखो, इसमें भी ना वही बात, जरूरी नहीं है कि जो भी फल हाई फॉडमैप डाइट पे इंक्लूडेड है आप सब उसको छोड़ना पड़ेगा। आप देखो कि आपसे क्या पचता है। जनरली जो मीडियमली राइप्ड बनाना है वो आप आसानी से पचा सकते हो, वो आप खा सकते हो। आपसे हो सकता है कि बेरीज जो है या फिर ग्वावा जो है, ये सब आप पचा पाओ। तो आपको ना फल ब्लाइंडली आप खाना बिल्कुल बंद ना करें। आप देखो एक एक फल को एक एक दिन खा के कि कौन से फल से आपको तकलीफ हो रही है और कौन से फल आप आसानी से खा सकते हो। एटलीस्ट 3 दिन कंसेक्यूटिवली खा के देखो कि कौन सा फल आपसे पचता है, तो आप वही फल खाओ। और जिससे आपको लगता है कि नहीं, आपकी जो गैस की तकलीफ है या फिर जो आपका अब्डोमिनल पेन है या डायरिया है ये बढ़ रहा है, तो उस फल को आप आराम से अवॉइड करो। वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जनरली देखा गया है कि जो कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रेडिश, ये सब जो क्रूसिफेरस कैटेगरीज के जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब थोड़ा दिक्कत करती है। पर ये भी देखा गया है, पता है, कि अगर आप ये सारे वेजिटेबल्स को ना अच्छे से ब्लंच कर लो, मतलब गर्म पानी में एक बार डुबो लो फिर पानी फेंक दो, फिर ये भी आप आसानी से खा सकते हो। वेजिटेबल्स का भी सेम नियम है कि आप खा के देखो कि आपको अगर मतलब तकलीफ होती है कि नहीं। जनरली जो देखा गया है कि अगर आप अनियन, गार्लिक और टोमेटो, ये 3 चीज़ों को अगर आप अवॉइड करो तो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है वो आपका कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ ना हमारी इंडियन कुकिंग में खूब सारा डलता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं नट्स की, क्योंकि अगर आप हाई फॉडमैप डाइट की जो लिस्ट मिलते हैं वो अगर आप देखोगे तो उसमें कैश्यू नट्स या पिस्ताशियो हाई फॉडमैप में आते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो और जो बाकी के जो भी नट्स एंड सीड्स हैं वो सब लो फॉडमैप में आते हैं। अब आप खा के देखो कि कौन से नट्स एंड सीड्स आप पचा सकते हो आराम से और कौन सा नहीं। बट थंब रूल ये है कि आपको हमेशा जो भी नट्स और जो भी सीड्स आप खाओ उसको ओवरनाइट सोक करने के बाद ही लेना चाहिए, ताकि आराम से उसको पचा पाओ।
फैट के बारे में बात करते हैं. जनरली देखा गया है कि आईबीएस पेशेंट्स हैं उनको फैट में कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती है. मतलब जो भी आपका फिल्टर्ड ऑयल हो या कच्ची घनी ऑयल हो या घी हो या बटर हो, आप ये सब बिल्कुल खा सकते हो और इससे आपको कोई भी तकलीफ बढ़ेगा या घटेगा नहीं. और एंड में बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड की. देखो, प्रोसेस्ड फूड ऐसी चीज़ है जो कि आपका पैकेट खोला और आप खाना चालू कर दिए. मतलब जैसे कि मान लो बिस्किट हो गया या फिर भुजिया हो गया या कोई भी नमकीन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़, या फिर कोई भी इंस्टेंट फूड, मतलब इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट पास्ता, इंस्टेंट ओट्स, ये जो भी इंस्टेंट फूड्स होते हैं ये सब हैवीली प्रोसेस्ड फूड के कैटेगरीज में आते हैं, जिनको हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं. तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हर तरह से आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लास्ट फॉडमैप जो टर्म है उसका जो लास्ट पॉइंट है ना कि पॉलीओल, ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में कोई ना कोई फॉर्म में पॉलीओल्स तो होते ही है. आप देखोगे ज़ाइलिटोल या मैनिटोल. तो अगर आप ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो भी हैं इनको आप अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी. ऑफकोर्स शुगर की अगर बात करें, शुगर, हनी या फिर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप या फिर कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब स्वीटनर्स जो है ये आपको जो आईबीएस की प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं. पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैं जो पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर खाने से प्रॉब्लम हो. जनरली आईबीएस पेशेंट्स का जो दिखा जाता है कि कोई भी दो तीन खाना ऐसा होता है जो आप डेली बेसिस पे खाते हो और जो खाने से आपको ना ट्रिगर होती है, आपकी गैस फॉर्मेशन होती है. तो सबसे ज़रूरी बात कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वो खाने हैं जिनसे आपको ये ट्रिगर होती है. और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक फूड लॉग मेंटेन करें. मतलब आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा एवरी डे कि आप क्या क्या खाना कब कब खा रहे हो और कैसा फील कर रहे हो. आई नो दिस साउंड्स वेरी बोरिंग, बिलीव मी, अगर ये एक्सरसाइज आप मतलब 15 दिन तक, 2 हफ्ते अगर आप कर पाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से खाने से आपको तकलीफ जो है वो बढ़ जाता है. तो आपको बस वो खाना अवॉइड करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स एट द एंड आप हमेशा कोई भी क्वालिफाइड डाइटिशियन से संपर्क कर सकते हो आपकी डाइट को प्लान करने के लिए. वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे कि कैसे आपको एक एक खाना छोड़ना पड़ेगा और कैसे आप एक एक खाने को फिर से वापस ला सकते हो. तो देर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस जो वो आपको गाइड कर सकती है. उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इफ़ it was helpful, then please hit the like button, share it with your friends, and of course subscribe our channel Wellness Munch. We'll be coming back soon with some other interesting video. Tab tak namaste.